हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। चलिए आज जिस कार के बारे में बात करने जा रहे हैं, वैसे तो आप देख के समझ ही गए होंगे ये मारुति की ब्रेजा है। चलिए आज मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, इसमें क्या चेंजेस है। चेंजेस तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही है इसमें। बात करते हैं DRL की, LED DRL, इसके साथ ही साथ LED फॉग लैम्प, LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर नई क्रोम, यहाँ पर सुजुकी का लोगो, यहाँ पर क्रोम, फ्रंट ग्रिल पूरी की पूरी चेंज है। ZXI+ ड्यूल टोन में ये वाला वेरिएंट इसका साइड प्रोफाइल की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर, यहाँ पे नीचे की तरफ ब्लैक पूरा का पूरा। अलॉय की बात करें तो 16 इंची का अलॉय डायमंड कट के साथ अलॉय। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसके 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। बैक से बात करें तो LED टेल लैम्प, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे डिफोगर, ऊपर की तरफ स्पॉइलर, यहाँ पे शार्क फिन एंटीना, और यहाँ पे वाइपर, यहाँ पे ब्रेजा का लोगो, सुजुकी विटारा हटा दिया गया इस बार इसमें से। नीचे की तरफ स्मार्ट हाइब्रिड। बूट स्पेस की बात करें तो ₹328 का बूट स्पेस। स्पेयर टायर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 16 इंची का ही है स्पेयर टायर भी इसका। यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड, नीचे की तरफ ग्रिल देख सकते हो, यहाँ पे ग्रिल, यहाँ पे दो रिफ्लेक्टर, और पार्किंग सेंसर की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर। यहाँ पे रिवर्स के लिए यहाँ पे कैमरा, 360 डिग्री कैमरा, और 2 कैमरा साइड मिरर पे, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ कैमरा देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर से बात करें तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे आपको आइडियल ऑन ऑफ, हेड अप डिस्प्ले, व्यू क्या 360 डिग्री कैमरा का व्यू, यहाँ पे आइडियल ऑन ऑफ। इस साथ साथ यहाँ से आप लाइट के एडजस्टमेंट कर सकते हो, चारों विंडो पावर, यहाँ से लॉक अनलॉक, यहाँ से मिरर की सेटिंग कर सकते हो आप। डोर हैंडल की बात करें तो क्रोम के साथ डोर हैंडल। स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे म्यूजिक इन्फोटेन से रिलेटेड बटन, यहाँ से कॉल पिकअप वगैरह का बटन, यहाँ पे सुजुकी का लोगो। हैंडल तो सेम ही है जैसे पहला आता है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं इसका, इस तरफ RPM वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेट्रोल का शाइन मिल जाएगा, यहाँ पे 220 टॉप स्पीड रहेगी। यहाँ पे आपको टॉर्क वगैरह, पावर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको इसमें हेडअप डिस्प्ले दिखा देता हूँ। अगर गाड़ी पहले हेडअप डिस्प्ले के लिए पहले गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा, जैसे ही ऑन करोगे तो सामने की तरफ डिस्प्ले आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे कि ये सामने हेडअप डिस्प्ले है, इसमें आप जब भी गाड़ी चलेगी तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कितनी स्पीड में चल रही है, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। म्यूजिक इन्फोटेन की बात करें तो 9 इंच का म्यूजिक इन्फोटेन है, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाता है। AC की बात करें तो ऑटो AC है, ये वाला कलर भी पूरा चेंज है 3 कलर में, ऊपर ब्लैक की तरफ, यहाँ पे सिल्वर, ये अलग कलर है। और उसकी बात करें तो ग्लव बॉक्स देख सकते हो आप इसका, कूल्ड ग्लव बॉक्स है। मैनुअल में है वाला वेरिएंट इसका, मैनुअल वेरिएंट है इसका, 5 स्पीड मैनुअल में है। ऑटोमेटिक भी आता है, ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट इसका अंदर खड़ा है, ये देख सकते हो आप। ऑटोमेटिक में मैं आपको दिखा दूंगा इसमें क्या चेंजेस है क्या नहीं। एक साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक USB पोर्ट, और यहाँ पे 2 कप होल्डर। आर्म रेस्ट देख सकते हो आप इसका, मूवेबल है, आगे पीछे मूव कर सकते हो, और आर्म रेस्ट में स्पेस देख सकते हो, स्पेस भी ठीक ठाक है। इसके साथ साथ की बात करें तो की तो नॉर्मल ही है, देखिए जैसे लॉक अनलॉक। अगर मारुति ने ब्रेजा कम्प्लीटली चेंज कर दिया, लेकिन अगर की को भी चेंज कर देते तो बात ही अलग थी। इसके साथ ही साथ अगर आपको 360 डिग्री कैमरे का व्यू देखना है तो यहाँ से व्यू का बटन प्रेस करना होगा, और यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाएगा। अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, आप मिरर व्यू देखना चाहें तो मिरर व्यू भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेस करना होगा मिरर व्यू देखने के लिए, ये पूरा कंप्लीट आपको चारों तरफ से दिखा देगा। मिरर की बात करें तो डे नाइट वाला मिरर है, यहाँ से आपको सनरूफ वगैरह ओपन कर सकते हो। सनरूफ में दिखा देते हैं इसको, छोटा सा इलेक्ट्रिक सनरूफ है, देखिए जैसे ही प्रेस करेंगे तो सनरूफ खुल जाएगा इसका। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको चश्मा रखने के लिए भी स्पेस दिया गया है, और यहाँ से लाइट ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो आप।
साइड विंडो की बात करें तो साइड विंडो पे भी यहाँ पे हल्की सी सिल्वर क्रोम, यहाँ पे ब्लैक और ये अलग ही फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं। सीट सीट कवर की बात करें तो सीट कवर तो मारुति नॉर्मल ही है इसमें। अगर सीट कवर को भी चेंज कर देती, थोड़ी लेदर फिनिशिंग में कर देती तो अच्छा होता। डोर मैट मैट देख सकते हो, मैट भी सिंपल ही है इसमें। इस साथ साथ एक और बात जो मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ही हम यहाँ से लाइट का पहला बटन ऑटो करेंगे ना, डिस्प्ले में हमें ऑटो दिखाना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ जैसे ही लाइट को हाई बीम लो बीम पे ले जाएंगे, वैसे ही डिस्प्ले में पूरा लाइट का व्यू दिखाता रहेगा कि कौन से व्यू पे गाड़ी अभी फ़िलहाल चल रही है। जैसे ही कम करेंगे तो वैसे ही ऑफ पे भी आगे बंद हो जाएगा इसके साथ साथ ही। और यहाँ से आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह वो तो मैंने आपको बता दिया। हैंडल की बात करें तो हैंडल पे भी हल्का सा सिल्वर क्रोम हाफ में, और ऊपर की तरफ सिंपल हैंडल। और इसके साथ साथ चलिए बैक से बात करते हैं, नहीं पहले यहाँ से साइड डोर की बात कर लेते हैं हम। साइड डोर में यहाँ कप होल्डर और कुछ स्पेस मिल जाएगा सामान रखने के लिए। इस साथ साथ इस साइड भी ऐसा एक कप बोतल होल्डर, और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाएगा थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए। चलिए बैक से बात करते हैं कि हम बैक में क्या कुछ है। चलिए आइए बैक से बात करें तो यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए कुछ भी मैक्सिमम 4 kg है। और इसके साथ ही साथ इसमें भी डोर हैंडल की बात करें तो पीछे की साइड भी आपको क्रोम वाले डोर हैंडल, एक बोतल होल्डर, खाली बोतल होल्डर ही मिलेगा। यहाँ पे स्पीकर आ जाएंगे, इस तरफ भी ऐसा है एडजस्टेबल आर्म रेस्ट रहेंगे पीछे के और आगे के, ये वाले भी एडजस्टेबल आर्म रेस्ट है। 60-40 में सीट आएगी। और यहाँ पे एक और खास चीज़ जो मारुति ने दी है, यहाँ पे 2 कप होल्डर, ये बहुत अच्छा फीचर है जो इन्होंने दे दिया इसमें। और पीछे की बात करें तो यहाँ पे 2 AC वेंट, 2 चार्जिंग सॉकेट, 1 USB पोर्ट और 1 C टाइप पोर्ट देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ भी एक लाइट देखने को मिल जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे हो।